मोदी जी, दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये बताओ, मेरे 50 किलो लड्डू बन के तैयार हो गए? अरे शिवराज सिंह जी, सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार करो। तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना के मैं तैयार जल्दी कर दूंगा। असल में 1 क्विंटल लड्डू मुझे अमित शाह जी को देना है बना के। और ये देखो, मेरे पीछे योगी जी आके बैठ गए। इन्होंने तो 3 दिन पहले से ही लड्डू का ऑर्डर कर दिया है। इन्हें भी 20 किलो लड्डू देना है मुझे। इन लोगों के लड्डू दे दूं, फिर शिवराज सिंह जी मैं तुम्हारे 50 किलो लड्डू बना दूंगा। मोदी जी, अगर ऐसी बात है, देर लग रही है, आप लड्डू नहीं बना पा रहे हो, तो मैं मनोहर लाल खट्टर जी की दुकान से लड्डू बनवा लेता हूँ। आपको तो मालूम ही है, दिवाली का मौका है, घर पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। किसी के सामने मिठाई ना रखो तो बड़ा बदनामी होती है। शिवराज सिंह जी, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आज ही तुम्हारे लड्डू बना के तैयार कर दूंगा, तो थोड़ा इंतजार तो करो। देखो लड्डू बनाने वालों को, कितने लोगों को मैंने लगा रखा है काम पर। राहुल, अखिलेश, लालू जी, जल्दी जल्दी से लड्डू बनाओ, तेजी से लड्डू बनाओ। मोदी जी, हम तो लड्डू तेजी से बना रहे हैं, आप ही बातों में लगे हुए हो। आप सही तरीके से लड्डू नहीं बना रहे हो। दिवाली आते ही आप इतने ज्यादा गदर मचाने लगते हो। बहन सोनिया जी, दिवाली के मौके पे ही इतनी ज्यादा मिठाई बिकती है। वैसे तो साल भर में कहाँ मिठाई बिक पाती है अपनी दुकान से। योगी जी, तुम क्या यहाँ बैठे ही रहोगे? मैंने तुमसे कहा तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे 20 किलो लड्डू घर भिजवाता हूँ। मोदी जी, घर भिजवाने का कोई चक्कर नहीं है, मेरे 20 किलो लड्डू बना के दो, मैं साथ में लेके जाऊंगा। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप 50 किलो लड्डू शिवराज सिंह जी को पहले दे दोगे? योगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिसको पहले लड्डू देने को कह देता हूँ, पहले उसी को लड्डू देता हूँ। देखो, मैंने शिवराज सिंह जी से अभी अमित शाह जी का नाम लिया कि मुझे अमित शाह जी को 1 क्विंटल लड्डू देना है। अमित शाह जी तो यहाँ पे है भी नहीं, फिर भी मैं उनके पहले 1 क्विंटल लड्डू बना के तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारे 20 किलो लड्डू बनाऊंगा, फिर बाद को शिवराज सिंह जी के लड्डू बनाऊंगा। अरे दिवाली का मौका है, तो थोड़ा बहुत साथ तो तुम लोगों को मेरा भी देना पड़ेगा, कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राहुल, कैसे हल्के हल्के हाथ चला रहे हो, तेजी से लड्डुओं का गोला बनाओ और रखो लड्डुओं को बनाकर। मोदी जी, बना दो राहुल लड्डू, हाथ थक गए लड्डू बनाते बनाते। सुबह से जो बैठा हूँ लड्डू बनाए जा रहा हूँ, खाने तक का मौका नहीं मिला है, 1-2 लड्डू ही खा लिए बस। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर और डालो इसके ऊपर, मेरे बर्फ के गोले के ऊपर ऑरेंज फ्लेवर और डालो। मोदी जी, आपका बर्फ का गोला खाने के लिए मैं 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ। इस पूरे गांव में आपके जैसा बर्फ का गोला कोई नहीं बेचता है। राहुल, 10 किलोमीटर दूर से मेरा बर्फ का गोला खाने के लिए आते हो और सिर्फ एक ही बर्फ का गोला खाते हो? अरे जब तुम इतनी दूर से आते हो तो कम से कम 3-4 बर्फ के गोले खा के जाया करो। अरे मोदी जी, आपने अपने बर्फ के गोले की महंगाई देखी है? 50 रुपए का एक बर्फ का गोला देते हो आप, सस्ता देते हो तो कोई बात नहीं, 3-4 खा लेता, और ऊपर से यहाँ तक आने में 20 रुपए का किराया खत्म हो जाता है। मोदी जी, क्या राहुल को ही बर्फ का गोला खिलाते रहोगे? हम भी तो खड़े हैं तुम्हारे ठेले के पास, एक जरा मैंगो फ्लेवर का बर्फ का गोला मुझे भी बना दो। केजरीवाल, आफत मत मचाया करो, तुम तो इसी गांव के रहने वाले हो। ये राहुल और अखिलेश काफी दूर से बर्फ का गोला खाने के लिए आए हैं, 3-4 गांव पार करके। पहले इन्हें बर्फ का गोला खिला दूं, तुम तो इसी गांव के रहने वाले हो, पूरा दिन में किसी भी वक्त बर्फ का गोला खा सकते हो। मोदी जी, एक बात बताओ, ये जो आपने बोतलों में फ्लेवर भर रखा है, मैंगो का, ऑरेंज का, लेमन का, ये किस तरीके से बनाते हो? लालू जी, तुम्हें बर्फ का गोला खाना है, बर्फ का गोला खाओ। मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं मैंगो का फ्लेवर मैंगो के रस से बनाता हूँ और ऑरेंज का फ्लेवर संतरे का रस निकाल के बनाता हूँ। मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? ये बताओ, अगर मैं ये बता दूंगा तुम्हें मैं इस तरीके से बनाता हूँ, तो तुम ये बर्फ के गोले का धंधा शुरू नहीं कर दोगे? चलो मोदी जी, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ। लेकिन मोदी जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तुमने मुझे बता सब कुछ दिया लेकिन फिर भी बताने को मना कर रहे हो। लाओ एक नींबू का फ्लेवर डाल के नींबू के फ्लेवर का बर्फ का गोला बना दो। मोदी जी, आप लालू जी की बातों में लग गए, लेकिन मुझे बर्फ का गोला नहीं दे रहे हो। आपको इतनी बार बताया है लेकिन आप फिर भी हमारी बात को नहीं समझते। अरे मैं और राहुल भैया 10 किलोमीटर दूर से आपका बर्फ का गोला खाने के लिए आते, तो हमें सबसे पहले बर्फ का गोला दे दिया करो, समझे? समझ गए अखिलेश, समझ गए, तुम्हीं को बर्फ का गोला दे रहा हूँ। लो ये बर्फ का गोला लो, और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, यहाँ बस अड्डे पर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, क्या करें, अभी तक बस नहीं आई है। राहुल, अपने गांव में यही दिक्कत है, बस बहुत लेट आती है, कभी कभी 3-4 घंटे लगा देती है। मैं सोच रहा था टाइम से शहर पहुंच जाता, थोड़ा बहुत सामान खरीद के लाना है शहर से। और राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो, ये कटहल बहुत बड़ा ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो ये कटहल? क्या कटहल शहर में बेचने के लिए ले जा रहे हो?
अरे नहीं मोदी जी, ये कटहल बेचने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ मैं, एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ दो चार दिन मेहमान बनकर। अब खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता, किसी दोस्त के यहाँ जाओ। अपने पेड़ पर कटहल बहुत बड़े बड़े आए थे, मैंने एक कटहल तोड़ा, वो ही ले जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी ये तो तुम सही कह रहे हो, बहुत देर हो गई, बस अभी तक आई नहीं, क्या करें फिर, कल को चले, आज का टाइम तो निकल चुका, पूरा दिन बेकार हो गया आज का। अरे राहुल तुम्हें किस बात की टेंशन है, तुम तो अपने दोस्त के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हो, जल्दी पहुँचो अपने दोस्त के यहाँ या देर से पहुँचो, तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें खाना खिलाएगा ही खिलाएगा भाई। अरे योगी जी ऐसे कैसे खिलाएगा, अगर मैं रात के 10 बजे पहुँचा तो 10 बजे खाना बनाकर थोड़ी खिलाएगा वो। अरे राहुल तुम इतना बड़ा कटहल ले जा रहे हो, कटहल देखकर ही खुश हो जाएगा तुम्हारा दोस्त। अरे नहीं योगी जी, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो टाइम से जाती अच्छा लगता है, अब बस आ ही नहीं रही है, अगर टाइम से बस आ जाती तो मैं भी शहर पहुँच जाता जल्दी, सामान खरीद लाता और राहुल भी जल्दी अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाता। अरे लालू जी तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मोदी जी मैं पास के गांव में अमित शाह जी के घर जा रहा हूँ, पिछले साल मैंने उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वो ही वापस करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बस आई नहीं रही है, कब तक बस का इंतजार करूँ। तुम भी अजीब बात करती हो लालू जी, बस के इंतजार में रुके पड़े हो, खेतों पहुँच जाओगे तो अमित शाह जी के गाँव में पहुँच जाओगे, ये पासी वाला गाँव तो है उनका, जाओ जल्दी चले जाओ और पैसे दे आओ उनके। वैसे अखिलेश तुम कहाँ पर जा रहे हो? अरे योगी जी कहीं नहीं, बस अगर टाइम से आ जाए तो शहर जा रहा हूँ, एक फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में। अखिलेश तुम्हारा फिल्म देखने का मूवी देखने का शौक अभी तक गया नहीं? और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि नहर में पानी आ गया, अब उसी नहर के पानी को आप इस पतली सी नाली में ले आए और इस नाली के जरिए आप खेत की सिंचाई करोगे। लेकिन मोदी जी मेरा भी खेत बराबर में है, इस नाली में से थोड़ा पानी अपनी तरफ मैं चला लूं, मेरे खेत की भी सिंचाई हो जाएगी। लालू जी बिल्कुल नहीं, किसी हाल में भी नहीं, जब तक मेरे खेत की सिंचाई नहीं हो जाती मैं इस पानी से किसी को भी सिंचाई करने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने दूंगा। भाई नहर से इस नाली नाली पानी मैं लेके आया हूँ तो खेत की सिंचाई मैं ही पहले करूंगा। आप तो घर में आराम से सो रहे थे, जब इस नाली में पानी आ गया नहर से तो सब लोग सिंचाई करने के लिए चले आए। चलो मोदी जी मानते हैं इस नहर के पानी को आप नाली में पानी लेकर आए हैं, लेकिन इस पानी पर तो हक सबका है, मैं भी अपने खेत की सिंचाई करूंगा। राहुल अभी तुमने सुना नहीं मैंने लालू जी से क्या कहा, जब तक मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर लेता किसी को भी इस पानी से खेत की सिंचाई नहीं करने दूंगा, जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी उसके बाद सब लोग अपनी सिंचाई करते रहना। मोदी जी आप हमें तो सिंचाई करने से मना कर रहे हो, लेकिन पीछे देखो पीछे अखिलेश तो आपके इस नाली में से पानी अपने खेत में चलाने के लिए काट रहा है फावड़े से, देखो देखो आप तो इधर लगे हुए हो, पीछे देखो पीछे। लालू जी आप भी थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते, सब खोल के रख दिया इतनी देर में मेरी कितनी सिंचाई हो जाती। अरे मोदी जी आपसे बातों में लगे हुए थे, मैं इस पानी वाली नाली में से अपने खेत में पानी चला देता और मेरे खेत की सिंचाई होने लगती, लेकिन आपने मोदी जी से कह दिया। अखिलेश ये बात अच्छी लग रही है, आप ये बताओ तुम चुपके से मेरी इस नाली में से पानी अपने खेत में चला रहे हो, ऐसे कब तक तुम चला लोगे, पीछे मुड़के क्या मैं देखूंगा नहीं, जब मैं तुम सब लोगों से कह रहा हूँ कि मैं अपने खेत की पहले सिंचाई कर लूँ उसके बाद तुम करते रहना। लेकिन मोदी जी आपके खेत की भी सिंचाई होती रहे और हमारे भी खेत की सिंचाई होती रहे तो क्या बुरा है, मेरा मतलब थोड़ा सा पानी आप अपने खेत में चलाते रहो, थोड़ा सा पानी मेरे खेत में चलता रहेगा। देखो मेरा खेत बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, पानी की बहुत जरूरत है, इसे सिंचाई की तुरंत आवश्यकता है। देखो अखिलेश इस पानी को अगर बांट के चलाओगे तो एक खेत की सिंचाई होने में वक्त लगेगा और जब मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी पूरा का पूरा पानी आप अपने खेत में चला लेना। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।